hello students in this video we will do question answer of chapter 8 jalevis of class 8 from the book it so happened and the author of this chapter jalevis is ahmed nadim qasmi

लीव पे थे एंड इफ़ यू नीड स्मॉल आंसर तो यू कैन राइट ही डिड नॉट पे फीस बिकॉज हिज क्लास टीचर वॉज ऑन लीव उसने फीस पे ही नहीं किया क्योंकि जो उसके क्लास टीचर हैं वो लीव पे थे वट वर द काइंस सेंग वे मिसगाइडिंग हिम जो नरेटर के पॉकेट में क्वाइंस थे वो क्या कह रहे थे क्या वो नरेटर को मिस गाइड कर रहे थे द कोइंस वर एंटाइजिंग हिम टू स्पेंड दैम ऑन हॉट जलेबीज जो क्वाइंस थे नरेटर के पॉकेट में वो क्वाइंस नरेटर को एंटाइस कर रहे थे उसको बहला रहे थे बहला रहे फुसला रहे थे कि तुम हमको जलेबीज के ऊपर खर्च करो और तुम जलेबीज को इंजॉय करो सेकेंड uh, पार्ट

Why didn't he take coins advice? वो जो coins हैं जो सिक्के हैं उनकी advice सलाह क्यों नहीं मानता He did not take coins advice because वो coins की advice सलाह नहीं मानता है क्योंकि सो वी राइट आंसर्स इन पॉइंट ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट पहली बात है बहुत अच्छा स्टूडेंट था इतना अच्छा स्टूडेंट था कि ही यूज़ टू गेट स्कॉलरशिप सेकेंड पॉइंट ही बिलोंग टू अर नोबल फैमिली एंड हैड मच एट होमवर्क बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता था और उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी तो उसको फीस के पैसे इस तरीके से जलेबी में खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी इट वॉज फी मनी और ये जो पैसे थे ये फीस के थे तो ये जो दीज आर द थ्री रीजन्स वाई द नरेटर डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड दो ऑन जलेबीज वट डिड द ओल्ड क्वाइन टेल डिड ही फॉलो हिज एडवाइस इफ नॉट वाई नॉट द ओल्डेस्ट क्वाइन एनटाइज हिम टू स्पेंड फी मनी ऑन बाइंग हॉट जलेबीज एंड पे फी विद स्कॉलरशिप मनी जो ओल्डेस्ट क्वाइन था उसने नरेटर को एंटाइज किया उसको बहलाया फुसलाया कि वो जो फीस का पैसा है उसे जलेबी से खरीद ले और जो नेक्स्ट उसको स्कॉलरशिप मिलेगी उससे वो फीस भरेगा बट जो नरेटर है उसने ऐसा नहीं किया नो ही डिड नॉट फॉलो हिज एडवाइस एज़ ही बिलोंग टू नोबल फैमिली क्योंकि जो नरेटर है वो एक नोबल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसको इस प्रकार फीस के पैसे जलेबी खर्च करने में नहीं गवाने चाहिए सो फिफ्थ क्वेश्चन ही रीज्ड होम विथ क्वाइंस इन इज पॉकेट वट हैपन दैन जब वो घर पहुँचा तो उसके पॉकेट में क्वाइंस थे उसके बाद क्या हुआ वेन ही रीज्ड होम द क्वाइंस स्टार्टेड शाउटिंग ही गॉट फेडअप एंड रस्ट आउट ऑफ द हाउस बेयर फुटेड एंड रैन टुवर्ड्स बाजार सो so जब वो घर पहुंचा तो उसके जो पॉकेट में सिक्के थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे वो परेशान हो गया और भागते हुए बिना चप्पलों के बाजार के तरफ दौड़ा एंड इफ यू फील दिस आंसर इज लॉन्ग यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो द क्वाइंस स्टार्टेड शाउटिंग क्वाइंस जो है वो चिल्लाने लगे ही गॉड अप वो परेशान हो गया ही रश टूवर्ड्स बाजार वो बाजार के तरफ भागा टू बाई जलेबीज जलेबीज खरीदने के लिए नाउ वी शिल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट टू वाई डेंटी जलेबीज ही हैड बॉट वट डिड यू डू विद द रिमेनिंग जलेबीज उसने जब जलेबीज़ खरीदी तो उसने पूरी जलेबीज क्यों नहीं खाई और जो जलेबीज बच गई थी उसका उसने क्या किया देवर सो मच जलेबीज सो ही कुड नॉट ईट दैम और जलेबीज बहुत ज़्यादा थी वन के जी का जलेबी था सो so वो इतनी सारी जलेबीज नहीं खा पाया ही डिस्ट्रीब्यूटेड दम रिमेनिंग जलेबीज अमंग चिल्ड्रन कलेक्टर अराउंड ही और जो बच्चे उसके आस पास इकट्ठा हो गए थे उन बच्चों में उसने जो जलेबीज बच गई थी उसको बाँट दिया द फियर वॉज किलिंग में वट वॉज द फेयर नरेटर कह रहे हैं मुझे एक डर था जो डर मुझे सता रहा था वो डर क्या था द ऑथर हैड इटन मस जलेबीज ही फियर दैट विथ हीज बर्फ जलेबीज वुड कम आउट एंड हिज सीक्रेट वुड बी एक्सपोज जो ऑथर है उसने इतनी सारी जलेबीज खाई कि उसको ये डर लग रहा था कि डकार के साथ उसकी जलेबियांस भी बाहर जलेबीज बाहर निकल जाएगी और उसका जो सिक्रेट उसका जो रहस्य है वो सबको पता चल जाएगा एंड इफ़ यू फील इफ दिस आंसर इज लॉन्ग यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो द ऑथर फीयर दैट विथ हिज बॉब जलेबीज वुड कम आउट एंड ही वुड बी कॉट तो ऑथर uh, को डर था कि डकार के साथ जलेबीज आएँगी और वो पकड़ा जाएगा सो दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट द आंसर द चिल्ड्रेंस स्टमकस आर लाइक डाइजेशन मशीन वट डू यू मीन बाई दिस डू यू एग्री बच्चों के जो पेट होते हैं वो डाइजेशन मशीन के तरह हैं क्या आप इस बात से सहमत हैं इट मीन्स uh, इस स्टेटमेंट का मतलब है इट मीन्स दैट इफ चिल्ड्रन ओवर इट देयर स्टमकस ई ईजिली डाइजेस्टिड इसका मतलब है कि अगर बच्चे बहुत सारा खाना भी खा लेते हैं हद से ज़्यादा भी खा लेते हैं तो भी उनके जो स्टमक्स हैं वो उसको ईजिली डाइजेस्ट करता है बहुत आसानी से उस खाने को पचा लेते हैं और नेक्स्ट डे वो रेडी होते हैं कुछ भी खाने के लिए कितना भी खाने के लिए और हम इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं क्योंकि उसमें जो नरेटर है वो इतनी सारी जलेबीज़ खाता है फिर रात को उसको इतना मुश्किल होता है इतना पेट दर्द होता है फिर भी नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो उसको कोई समस्या नहीं है अगेन नेक्स्ट डे उसको कुछ भी खिलाओ वो खा सकता था हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे उसने स्कूल की जो फीस है वो कैसे प्लानिंग किया देने का ही प्लान टू पे स्कूल फ़ी विद द स्कॉलरशिप मनी दैट ही एक्सपेक्टेड टू गेट द नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे उसको स्कॉलरशिप मनी मिलने वाली थी तो उसने सोचा जो स्कॉलरशिप मनी है उससे वो स्कूल uh, फ़ीस को पे करेगा When it is time to pay the fees what does he do how is he disobeying the elders by doing so he leaves the school and goes to a deserted corner of the railway station स्टेशन uh, वो जब school fees देना होगा बच्चे को तो वो school नहीं जाता था तो वो कहाँ जाता था वो क्या करता था और क्या वो अपने घर में बड़े लोगों की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था तो ये जो बच्चा है ये स्कूल नहीं जाता था और बगल में ही एक सुनसान रेलवे स्टेशन था वहाँ जाके छायादार पेड़ के नीचे समय व्यतीत करता था The elders tell uh, not to cross railway tracks and misuse school fees. But author does so and disobeys his elders. अब एल्डर्स जो हैं घर में बड़े लोग हैं उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन में नहीं जाना चाहिए ट्रैक्स में नहीं जाना चाहिए और स्कूल फ़ीस को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए लेकिन जो नरेटर है ऑथर है उसने दोनों ही काम किए हैं उसने स्कूल का बंक मार के रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक्स में जाके समय व्यतीत कर रहा है और स्कूल फीस से उसने जलेबी खा दिया तो दो इन दोनों बातों से उसने अपने अपने घर के जो एल्डर्स हैं उनको डिसोबे किया नाउ वी विल नाउल बिगिन विथ थर्ड पार्ट वट वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइंग जलेबी विद द स्कूल फीस जो उसने स्कूल फीस से जलेबी खरीदा उसका क्या दुष्प्रभाव निकला ही हैड टू फ्ली फ्रॉम द स्कूल एंड स्पेंड द स्कूल टाइम अंडर अ अ ट्री इन डेजर्ट कॉर्नर ऑफ अ रेलवे स्टेशन अब उसको स्कूल से भागना पड़ा और वो जो स्कूल वाला समय है वो उसको एक डेजर्टेड मतलब एक लोनली एक अकेला सुनसान रेलवे ट्रैक है स्टेशन है रेलवे ट्रैक्स कहिए वहां पर एक छायादार वृक्ष है वहां पे उस वृक्ष के नीचे वो समय को व्यतीत करता था हिज प्रियड टू गॉड इज लाइक अ लॉयस्ट डिफेंस ऑफ अ बैड केस डज ही आर्ग्यू हिज केस वेल वट आर द पॉइंट्स ही मेक्स वो जो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप मेरे को चार पैसे भेज दो चार रुपये भेज दो तो उसका वो भगवान से क्या क्या बातें कहता है और वो क्या क्या पॉइंट्स भगवान को बता रहा है यस ही आर्ग्यूज हिस केस वेल वो बिल्कुल अपनी बात भगवान को बता रहा है और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रहा है तो उसने इस प्रकार पॉइंट्स दिए हैं फर्स्ट ही सेज हीज अ गुड बॉय वो कहता है कि वह इतना अच्छा स्टूडेंट है एक आइडियल स्टूडेंट है तो भगवान को उसकी मदद करनी चाहिए ही सेज दैट ही ज मेमोराइज नमाज एन एम एज एड और उसने भगवान से कहा कि भगवान मेरे को तो पूरी नमाज भी याद है तो आपको मेरे को जरूर फोर रुपीज देनी चाहिए ही हैज लर्न लास्ट एन सूरत ऑफ कुरान और कुरान के उसने लास्ट एन सूरत भी पढ़े हैं तो इतना अच्छा स्टूडेंट भी है इतना रिलीजियस भी है ही हैज़ लर्न एंटायर आयत एल कुर्सी और उसने इस प्रकार जो बेटा मुस्लिम लोग हैं उनके ये कोई रिलीजियस स्क्रिप्ट होंगे है ना तो उसने ये भी स्टडी कर रखा है ही रिक्वेस्ट टू हेल्प हिम जस्ट दिस वंस और वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि बस इस बार भगवान उसकी मदद कर दे और कैसे ना कैसे भगवान उसको फोर रुपीज़ दे सो so दैट वो अपने स्कूल की फ़ीस सबमिट कर पाए तो इस प्रकार वो अपनी बातों को भगवान के समक्ष विच गेम ही प्ले वो कौन सा गेम खेलता है अब वो वो क्या है? है है है, इस प्रकार है कि वो जो एक है, वहाँ पे एक जगह कोई उसने पॉइंट बना रखा है मैं वहां पर भाग के जाऊंगा और भगवान आप पीछे से ये जो बड़ा सा ये जो बड़ा सा पत्थर है इसके नीचे आप चार रुपए रख देना तो इस प्रकार वो गेम खेल रहा था भगवान के साथ डिड ही गेट फोर रुपीज़ बाई प्लेइंग द गेम विड ही गेट टू सी अंडर द रॉक क्या जब उसने भगवान के साथ ये गेम खेला तो क्या उसको फोर रुपीज़ मिले क्या भगवान ने उसका हेल्प किया और उसको पत्थर के नीचे क्या देखने को मिला नो ही डिड नॉट गेट फोर रुपीज़ नहीं उसको भगवान ने फोर रुपीज़ नहीं दिए ही गॉट टू सी अ बिग हेयोरी एच ए आई आर वाई हेयरी वॉर्म अंडर द रॉक और जब उसने पत्थर को उठाया तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा uh, बाल बालों से भरा हुआ एक कीड़ा था एक ऐसा कीड़ा था जिसके बदल में बहुत सारे हेयर थे सो लास्ट क्वेश्चन इफ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे व्हाट हार्म इट हैव कॉज्ड हिम लेटर लाइफ अगर भगवान ने उसकी उस दिन जो मुराद है जो इच्छा है वो पूरी कर दी कर दिया होता उसको चार रुपये दिए होते तो उससे उसकी ज़िंदगी में क्या नुकसान होता बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इट वुड हैव मेड हिम ग्लूटन जी एल यू डबल टी ओ एन ग्लूटन होता पेटू तो अगर भगवान उसकी मदद कर देता तो वो हमेशा ही ऐसा करता और हमेशा ही पैसे घर से पैसे लाता किसी ना किसी काम के लिए और उन पैसों को यहाँ वहाँ गलत तरीके से खर्च करता और वो पेटू बन जाता एक चीट बन जाता एक लायर बन जाता और एन एक्स्ट्रा वेगेंट ई एक्स टी आर ए वी ए जी एन टी एक्स्ट्रा वेगेंट होता है ही वुड बिकम लेजी एंड आइडल टी डबल ओ टू और ऐसा भी हो सकता था कि वो बहुत आलसी बन जाता और आइडल होता है जो कोई काम नहीं करता ऐसा कुछ वो व्यक्ति बन जाता तो अंत में बिल्कुल सही है ये कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की और उसको ये एहसास हुआ कि जो उसने किया वो गलत था और आगे भविष्य में उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव लाइक दिस क्वेश्चन आंसर बिकॉज आई ट्राई टू गिव एज शॉर्ट एज पॉसिबल थैंक यू